Razin! To nějaký lého kašinat! मेरी बात का यकीन करो साहब, ये मौत का घर है, मौत का। एक एक करके सबके सब मारे जाओगे, सबके सब। इस हवेली में शैतानी आत्मा का बसेरा है, शैतानी आत्मा का। चुप कर सबे। आप मेरी जबान काट ले या जान ले ले, लेकिन मैं सच्चाई कहता ही रहूंगा। हाँ, उस वक्त तक कहता रहूंगा जब तक इस घर में वो शैतानी आत्मा है। हाँ, यहाँ जो भी आएगा मारा जाएगा, वैसे यहाँ खून खराबा होता ही रहेगा। तेरी बकवास नहीं सुनना चाहता। मेरी बात सुनिए। तेरी बकवास नहीं सुनना चाहता। तो मैं सच बोल रहा हूँ। मैं क्या यकीन करो? क्या सच कह रहा हूँ? ये घर नहीं, मौत का डेरा है, मौत का। वो शैतानी आत्मा एक एक करके सबको निकल लेगी। हाँ, सबको निकल लेगी। कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। देखिए, आपके सब मारे जाओगे, सबके सब मारे जाओगे। संगीता, ये देखो, मैंने कुंवर को ये स्वेटर बुना है। कैसा है? मैडम, मैं आपसे इजाजत मांगने आई हूँ। कहाँ जा रही हो? मैं ये नौकरी नहीं कर सकती, मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। क्यों, जाने की कोई खास वजह? मैं इस माहौल में और नहीं रह सकती, यहाँ मेरा दिल बहुत घबराता है। मैडम, मैं मुंबई वापस जाना चाहती हूँ। क्या तुमने पक्का फैसला कर लिया है? जी हाँ, मैंने पक्का फैसला कर लिया है। जब तुमने फैसला कर ही लिया है तो मैं तुम्हें कैसे रोक सकती हूँ? तुम जाना चाहती हो, जाओ। जब तुम यहां आई थी मुझे लगा था चांद की तबीयत संभल जाएगी, उसे तुम्हारा सहारा मिलेगा तो वो ठीक हो जाएगी। मुझे तुमसे बड़ी उम्मीदें थी संगीता, लेकिन तुमने मुझे ना उम्मीद किया है। मैं चलती हूँ मैडम। तुम भी मुझे छोड़कर जा रही हो, इन लोगों के बीच अकेला छोड़कर जा रही हो मुझे? तो मुझे छोड़कर मत जाओ। देखो, एक तुम्हें तो थी जिसका मुझे सहारा था, तो तुमने मुझे इतनी हमदर्दी दी है, प्यार मिला है मुझे तुमसे, और आज तुम भी उस प्यार को मुझसे छीन लेना चाहती हो। तो मुझे छोड़कर मत जाओ इन लोगों के बीच। देखो, तुम चली जाओगी तो ये लोग मुझे जीते जी मार डालेंगे। मेरी बात समझो, मुझे छोड़कर मत जाओ। प्लीज प्लीज, मेरी मजबूरी को समझो तुम, मैं यहाँ इन पागलों के साथ नहीं रह सकती। संगीता, तुम तो इनके बीच सिर्फ दो दिन रही हो, मेरे बारे में सोचो, मैं तो सालों से इनके साथ रह रही हूँ।
मुझे छोड़कर मत जाओ प्लीज प्लीज, प्लीज समझने की कोशिश करो जान। नहीं संगीता मैं कुछ नहीं समझना चाहती। संगीता प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। प्लीज संगीता मुझे छोड़कर मत जाओ। संगीता मैं कुछ नहीं समझना। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी। मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। ठीक है अब तुम रोना बंद करो, रोना बंद करो। मैं नहीं जाऊंगी। कुछ नहीं जाओगे ना? प्रॉमिस। मैं वादा करती हूँ जान, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं इंजेक्शन नहीं लूंगी, मैं इंजेक्शन नहीं लूंगी। मैं पागल नहीं हूँ। मैं इंजेक्शन नहीं लूंगी। देखिए मैं एक डॉक्टर हूँ, मुझे मालूम है कि क्या करना चाहिए। मैं इंजेक्शन नहीं लूंगी। संगीता, संगीता, संगीता! मैं जानती हूँ आप लोग मिले हुए हैं। आप लोग मुझे जानबूझकर पागल में अगर मुझे शॉक ट्रीटमेंट देते। मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। मैं इंजेक्शन नहीं लूंगी। कुमार इसका हाथ पकड़ो जी, इंजेक्शन देना बहुत जरूरी है। मैं इंजेक्शन नहीं लूंगी, मैं इंजेक्शन नहीं लूंगी। ये बहुत जान इंजेक्शन बंद करो चिल्ला। इंजेक्शन नहीं लूंगी संगीता। तो ऐसा पहला ये इंजेक्शन। मैं इंजेक्शन नहीं लूंगी प्लीज। मैं इंजेक्शन नहीं लूंगी संगीता। देखिए ये दिमागी मरीज है, इसका इलाज होना बहुत जरूरी है। ये कोई तरीका है इलाज करने का? कोई मरीज के साथ इस तरह से जबरदस्ती करता है क्या? देखिए मैं एक डॉक्टर हूँ, मरीज का इलाज कैसे होना चाहिए ये मैं तुमसे बेहतर जानता हूँ। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? हाँ आइए। काफी कुछ सुन रखा था कनिष्का कुंज के बारे में, मगर आज पहली बार देखने का मौका मिला। वैसे आपने अपने बारे में हमें कुछ नहीं बताया। मेरा नाम कुंवर प्रताप सिंह है, मैं कनिष्का देवी का बेटा हूं। ओह आई सी। चार की तारीफ। जी मैं यहाँ गवर्नेस हूँ। किसकी देखभाल करती हैं आप? चांद की। ये चांद कौन है? मेरी कजन है, कहिए कैसे आना हुआ? तलोजा घाटी के पास दलदल में हमें एक लाश मिली है और इस लाश की शिनाख्त भी हो चुकी है। उसका नाम बिल्ला था, कई बार चोरी के इल्जाम में वो सजा भी काट चुका था। लेकिन इस चोर से हमारा क्या ताल्लुक? उसका एक दूसरा साथी राणा है और मुझे शक है कि एक कत्ल उसी ने किया है। पूछताछ के बाद मुझे मालूम पड़ा कि 18 अक्टूबर के रात वो दोनों यहां पर चोरी करने के इरादे से आए थे। अच्छा इसका मतलब चोर आकर चोरी करके चले भी गए और हमें पता भी नहीं चला।
ताजुब है। राणा के बयान के मुताबिक बिल्ला की मौत इसी हवेली में हुई है और किसी ने उसकी लाश को ले जाकर दलदल में फेंक दिया है। लाश के चेहरे पर जो निशानात पाए गए हैं उससे तो ऐसा लगता है कि उसे किसी इंसान ने नहीं बल्कि हैवान ने मारा है। मेरी समझ में नहीं आता, कनिष्का कुंज के पास जितनी भी लाशें मिलती हैं उन लाशों के साथ हमारा नाम क्यों जोड़ा जाता है? क्यों? पहले सबूत और गवाह ढूंढ कर लाइए, फिर इल्जाम लगाइए हम पर। ओके, अभी तो मैं जा रहा हूं मगर फिर वापस आऊंगा सबूत और गवाहों के साथ। रुक जाइए इंस्पेक्टर साहब, रुक जाइए प्लीज, मैं गवाह बनती हूँ। हाँ, मैं आपको सब कुछ सच सच बताती हूँ इंस्पेक्टर साहब। चलो मैं चलो अंदर, चलो चलो। नहीं, ये अंदर नहीं जाएगी। अच्छा तो क्या कहना चाहती हैं आप? इंस्पेक्टर साहब, ये जो आंटी है ना, ये डायन है और ये उनका बेटा शैतान है। शैतान? ये तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम होश में हो या नहीं? प्लीज आप लोग जरा चुप रहेंगे। हाँ तो कहिए, क्या कहना चाहती हैं आप? ये जो आंटी, ये उनका बेटा, ये लोग जैसे दिखते हैं ना वैसे हैं नहीं। आपको पता है इस घर में जितने भी कत्ल हो रहे हैं उन सब के पीछे इन दोनों का ही हाथ है। मैं आपको सच बता रही हूँ। इंस्पेक्टर साहब, आप इसकी बात का भरोसा मत कीजिए, ये लड़की झूठ बोल रही है, झूठ। देखिए मैडम, आप कानूनी कार्रवाई में दखल दे रही हैं। चुप रहिए आप, बिल्कुल चुप रहिए। हाँ तो कहिए, डरो मत, क्या कहना है? इंस्पेक्टर साहब, ये लोग ना, इन लोगों ने मुझे इस हवेली में कैद कर रखा है। ये लोग मुझे कहीं नहीं जाने देते हैं। और आपको पता है इस हवेली में प्रेत आत्मा भी है, मुझे रोज रात को उसकी आवाजें सुनाई देती है, मुझे बहुत डर लगता है हवेली के लिए। एक्चुअली इन लोगों ने इस आत्मा को यहाँ कैद कर रखा है। मैं सच कह रही हूँ, मेरी बात यकीन कीजिए। प्लीज सेव मी, मुझे बहुत डर लगता है। मैं यकीन करता हूँ। सेव मी, आप डरो मत, प्लीज अभी रोना मत, प्लीज। ये सब क्या सुन रहा हूं मैं? अब इससे बढ़कर गवाही और क्या हो सकती है मिस्टर कुंवर प्रताप सिंह? अगर कानून किसी पागल की गवाही को मानकर सजा दे सकता है तो गिरफ्तार कर लीजिए मुझे। मैं पागल? जी हाँ, पागल, पागल ही तो है ये। इंस्पेक्टर साहब, आप पढ़े लिखे हैं, तभी तो सरकार ने ये वर्दी दी है आपको। लीजिए, पढ़ लीजिए। इस फाइल में डॉक्टर के रिपोर्ट्स हैं, जिसमें साफ साफ लिखा है कि चांद को पागलपन के दौरे पड़ते हैं। दिमागी मरीज है ये, हर दो दिन के बाद शॉक दिया जाता है इसको। पागल है, पागल। इंस्पेक्टर साहब, इनकी बातों को यकीन मत कीजिए, झूठ बोल रहे हैं। मैं पागल नहीं हूँ, ये लोग मुझे जानबूझकर शॉक ट्रीटमेंट देते हैं। अगर मैं यहाँ रही तो मैं सचमुच पागल हो जाऊंगी। इंस्पेक्टर साहब, मैं पागल नहीं हूँ, बिलीव मी, मुझे यहाँ से ले चलिए। इंस्पेक्टर साहब, मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल हूँ। संगीता, चांद को उसके कमरे में ले जाओ। जी। चलो प्लीज, चलो चांद, मैं नहीं जाऊंगी। चलो प्लीज, मैं पागल नहीं हूँ। हाँ चांद, इंस्पेक्टर साहब, मैं पागल नहीं हूँ। चलो, मैं पागल नहीं हूँ। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात की यकीन कीजिए, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, मैं पागल नहीं हूँ। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात की यकीन कीजिए। इंस्पेक्टर, तुम्हें बीच में बोलने की क्या जरूरत थी चांद? न जाने इंस्पेक्टर के सामने तुमने क्या क्या कह दिया उन दोनों के खिलाफ। अब उन दोनों के मन में तुम्हारे लिए दुश्मनी और भी बढ़ जाएगी। मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। ये डॉक्टर इन लोगों के साथ मिला हुआ है, वो मुझे जबरदस्ती शॉक ट्रीटमेंट देता है, मेरी रिपोर्ट भी उसने गलत बनाया है। मैं पागल नहीं हूँ। ये सब लोग वैश्य है, दरिंदे हैं। दीदी, तुम्हें पता है जब तुम यहाँ नहीं थी ना,
तब एक रात मैंने कुंवर को एक लाश को घसीटते हुए देखा था। क्या कह रही हो तुम चांद? तुमने कुंवर को एक लाश को घसीटते हुए देखा? हाँ, मैं सच कह रही हूँ दीदी। मुझे लगता है वो लाश उसी चोर की थी जिसके बारे में आज इंस्पेक्टर पूछताछ करने आया था। जरूर कुंवर ने उस लाश को ठिकाने लगाया है। दीदी, इस घर में प्रेत आत्मा है, शैतानी साया है यहाँ।